हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूलाज देखिए हमने कैसे किया है। तो मैंने फैब्रिक 4 मीटर लिया है और लेंथ 40 है और चेस्ट 36 है। तो 36 में हमें 6 प्लस करना है तो 42 इंच हो जाएगा। 40 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, हमें कितनी भी कली रखना उससे डिवाइड करेंगे। तो वेस्ट से चेस्ट हम 13.5 इंच लिए हैं, सो कली की चौड़ाई 3 इंच होगी। तो आप कली कैसे कट करना है ये डायग्राम देख सकते हो, मैंने रेड पेन से बनाया है। तो कट करने के बाद स्टिचिंग के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, तो आप देख सकते हो हम वेस्ट लाइन तक 13.5 लेंगे और 29 हमारी लेंथ, तो फुल लेंथ हमारी 40 हो जाएगी। अब हम कैलकुलेशन करके देखेंगे, आपको भी सेम वैसे ही कैलकुलेशन करना है। कितनी भी आप कली रखो तो आपको यही कैलकुलेशन करना है, जितनी चाहे उतनी कली रख सकते हैं और फॉर्मूला यही रहेगा। तो 36 को हम 6 प्लस करेंगे तो 42 आ जाएगा। 42 में हम जितनी भी कली चाहिए उसे डिवाइड करना है, तो हम 16 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 2.6 आ गया। तो हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 3 इंच लेंगे, हमारी कली की विड्थ 3 इंच होगी। तो हमारी नेक लाइन 5.5 है और नेक की विड्थ 3 है। तो हमारी वेस्ट 9 इंच है तो हम इसमें एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं मार्जिन के लिए। सो हमारी स्टिचिंग के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, हमारी शोल्डर टू वेस्ट लाइन 13.5 और उसके नीचे हमारा 2.29 है। तो अब हम कटिंग करके देखेंगे, तो हमारी वेस्ट की लाइन की तरफ हम 3 इंच लेंगे कली का और नीचे घेरे में आप जितना फैब्रिक है उतना रख सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने कैसे मेजरमेंट लिया है। तो वेस्ट तक 13.5 है, 13.5 की एक लाइन निकालेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और हमें कली का शेप देना है। तो आप देख सकते हो मैंने कैसे ड्रॉ किया है, सेम वैसे ही फैब्रिक पे भी ड्रॉ करना है। तो मैं तो ये शोल्डर टू वेस्ट लाइन है 13. तो अब हम कली के शेप को ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही हमें फैब्रिक पर भी करना है जैसे मैंने अभी पेज भी किया है। तो अब हम दूसरी साइड ड्रॉ करेंगे, तो आप देख सकते हो हमने किस तरह किया है। इस बीच आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आप देख सकते हो हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम कटिंग करेंगे। अब हम कटिंग करेंगे कुछ इस तरह से। इफ़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो आप देख सकते हो मैंने कली को कट कर लिया है, ऐसे ही हमें कली को कट करना है 16 कली को और इसे स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद आप देख सकते हो कैसा लगता है। इसके बाद हमें कुर्ती की कटिंग करनी है जिसे डायग्राम में दिखाया है। तो आपको आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, समझ नहीं आए तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।